नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ढाई टन वजन का असेंबली की चपेट में आया एक BCCL कर्मी घायल। बागमारा ब्लॉक के दो क्षेत्र में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बीते 2 दिन से जहां प्रबंध द्वारा बारिश के कारण फंसे मशीनों को निकालने का काम किया जा रहा था, कि सोमवार को हुई एक और घटना ने प्रबंध को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्रेक लाइन मशीन में कार्य के दौरान सीलिंग टूटने से गिरी लगभग 2.5 टन वजन का असेंबली की चपेट में आने से कृष्ण शर्मा नामक BCL कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मौके पर उपस्थित अन्य सहकर्मी बाल बाल बच गए। घटना के बाद आनन फानन में घायल को उठाकर डुमरा क्षेत्रीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद रेफर किया। जानकारी पाते ही महाप्रबंधक धर्मेंद्र मित्तल, PO मिलन साहा सहित अन्य अधिकारी तथा कर्मी अस्पताल पहुंच घायल का हालचाल लिए। इस दौरान कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंध का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे महाप्रबंधक ने उचित जगह नहीं होने का अलावा देते हुए घटना के विषय पर बाद में बात करने की सलाह देते हुए कर्मी की मंसूबे पर पानी फेर दिया। वहीं साथी कर्मी ने कहा कि प्रबंधक कर्मियों पर सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं देती। साथी कर्मी को गंभीर रूप से घायल होने की सूचना के बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं GM ब्लॉक के दो ने कहा कि ड्रग लाइन के काम के दौरान कर्मी घायल हुआ, बेहतर इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल भेजा गया। क्या कुछ मामला था और बेहतर के लिए क्या किया जाए? ट्रैक लाइन में गिर के एक्सीडेंट हुआ, बेहतर इलाज के लिए अभी ले जाया जा रहा है। अपने तरफ से क्या कुछ डॉक्टरों को भी सलाह दी है? डॉक्टर को सलाह तो यही है कि अच्छा से अच्छा इलाज दिया जाए। कैसे लगा है कर्मी को चोट? काम करने के दौरान क्या गिरा था जो पैर भारी भरकर? तो इस तरह का घटना बार बार हो रहा है कि आज पहला बार हो गया? नहीं, ऐसा बार बार तो नहीं। अब काम है, भारी काम है। हम तो अपना बता सकते हैं कि एम्बुलेंस सही टाइम पर तो नहीं पहुंचने में टाइम लगा। तो सुरक्षा को लेकर आप सिक्योर हैं कि BCCL और सुरक्षा सही है? अभी इसमें अभी उतना कुछ श्योर नहीं, लेकिन जिस तरह से चाहिए एम्बुलेंस एमरजेंसी सेवा है, जितना जल्दी पहुंचना चाहिए उतना जल्दी।